शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। समीर भैया पे माँ कितना भरोसा करती है, लेकिन मुझ पे? अगर माँ को इम्प्रेस करना हो तो इन्हीं दो चार दिन में कर सकता हूँ, फिर तो समीर भैया आ जाएंगे। नहीं नहीं, कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा, कुछ ना कुछ। क्या करूँ क्या करूँ मैं? आइडिया, बोल। आप नहीं, वो अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है। हाँ मुझे पता है प्रोस्पेक्टस आने वाले हैं, पर निकिता मुझे नहीं लगता कि मैं इतना महंगा कोर्स अफोर्ड कर पाऊंगी। अरे पागल, दिल करने से क्या होता है, पैसे भी तो होने चाहिए ना। हाँ ये बिल। भैया मैं भी निकलूं अब? हाँ बेटा तू भी निकल। हाँ जी, अच्छा अंकल चलता हूँ। चलो जीते रहो बेटा, शाबाश शाबाश, ऐसे मेहनत करो, जाओ। अच्छा बेटा ये हो गया। दाऊजी सब अच्छे से निपट गया नहीं? हाँ बेटा। अब चलें हिसाब करें। अब बेटा हिसाब तो ही कर ले, देख सुबह से काम करके मेरा दिमाग भन्ना आ गया है। क्या हुआ? इतनी सारी साड़ियां बेचने के बाद भी इतने कम पैसे भाऊजी? अरे बेटा एक बार मुझे देखने दे। भाऊजी देखो गले में और नहीं है, इतने ही है। बेटा इतने कम पैसे? अरे साड़ियां तो इतनी बिकी हैं, देख सब खाली हो गया। एक बार फिर से गिनते। दिखा बड़ी प्यारी साड़ी है, कितने की है? बड़ी सस्ती है, 350 की, ये 250 की, ये 350 की और ये भी 350 की। नहीं सेल लगी है क्या? हाँ बड़ा अजीब सेल था। अजीब सेल? पता है एक साड़ी पे 10% का डिस्काउंट और दो साड़ी पे 20% का, ऐसे ऐसे करके डिस्काउंट दे रहे हैं। मतलब 5 साड़ी पे एक साड़ी फ्री। पता है हमने उस दुकान वाले को उल्लू भी बनाया, ये 5 सस्ती वाली साड़ियों पे एक महंगी साड़ी फ्री में। पर उल्लू किस दुकान वाले को बनाया? अरे वही अपना रौनक साड़ी भंडार। अरे वही सदर वाली। चलो चलो अब हम जाते, वरना बॉस आएंगे तो चिल्लाएंगे। हाँ ओके, बाद में मिलते हैं, बाय बाय। आपके कितने हैं? अरे बेटा ये तो अजीब सा हिसाब हो गया, मिल भी रहा है नहीं भी मिल रहा। बाबूजी इतने साल में ऐसा कभी नहीं हुआ, फिर से कैलकुलेट करते हैं, सब ठीक हो जाएगा बाबूजी, देखना। ठीक है। अरे नहीं बेटा ये तो 25% भी नहीं है जितनी साड़ियां बिकी हैं बेटा। देख बेटा फोन, देख ना बेटा, देख तो सही, देख। हेलो हेलो ऋषि भैया। हाँ नियति बोलो, क्या बात? हमने दुकान पर कोई सेल लगा रखी है क्या? अरे नियति तुम्हें कैसे पता?
बताना बेटा क्या हुआ? हाँ? जी सारा हिसाब मिल गया बाबूजी, अब हमें हिसाब मिलाने की कोई जरूरत नहीं बाबू। क्यों? और जी जो ग्राहक थे ना हमारे साथ चालाकी करके चले गए बाबूजी। और जी जो हमने हमने बात कही थी ना कि हम 5 साड़ी पर 1 साड़ी मुफ्त देंगे, 5 तो सस्ती वाली साड़ियां खरीद गए वो, और जो मुफ्त में ले गए और सिल्की महंगी वाली ले गए। अरे सत्यानाश बेटा सत्यानाश, तेरी माँ नहीं छोड़ेगी। प्लीज बाबूजी माँ को मत बताना, बाबूजी माँ को प्लीज मत बताना बाबूजी। रो मत बेटा, सुबोध खान शास्त्री का मंजिला बेटा रो रहा है बेटा, अच्छा लगता है। देवयानी को नहीं बताऊंगा लेकिन देर सवेर तो उसे पता चल जाएगा ना बेटा। उससे पहले हमें कुछ करना होगा, अगर उसे पता चल गया तो तेरी गर्दन के साथ साथ मेरी गर्दन भी जाएगी। भौजी एक सेकंड, भौजी अगर माँ ने पूछा कितने की बिक्री हुई है तो मैं क्या जवाब दूंगा भौजी? अरे बेटा जितने की बिक्री हुई है बता देना। अरे भौजी क्या बोल रहे? अरे नुकसान की बात गोल कर देना, फिलहाल यही उपाय है। ऋषि, अरे सुन क्यों नहीं रहे हो? बाबूजी प्लीज आप भी चलिए, मैं अकेला नहीं। अरे तेरी माँ तुझे बुला रही है, तू जाना। बाबूजी प्लीज आप भी। अरे बेटा मेरी माँ मुझे बुलाती थी, मैं भी जाता हूँ। बाबूजी चल बेटा, बाबूजी ये शेर नहीं है, शेर नहीं। आ गए भाई। सुन क्यों नहीं रहे हो तुम, कब से बुला रही हूँ। चलो आज का हिसाब दो। हिसाब की चिंता मत करो, मैंने सब चेक कर लिया। अरे वाह शुक्र है, कितने का फायदा हुआ? फायदा कुछ खास नहीं हुआ, वो क्या था ना सामने वाली दुकान पे सेल लगी हुई थी तो सारे ग्राहक वहीं जा रहे थे। हमें कुछ ना कुछ तो ऐसा करना ही पड़ेगा जिससे साड़ियों की बिक्री और मुनाफा दोनों ही बढ़ जाए, और जब तक ऐसा कुछ सूझता नहीं है ना तो कोई भी गलत कदम उठाकर अपना नुकसान करने से बेहतर है कि जैसे चल रहा है ना वैसे ही चलने दिया जाए। कहीं आज वाली बात इसे पता तो नहीं चल गई? क्या बड़बड़ा रहे हो? नहीं वो चाय, चाय का मन कर रहा था। हम कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन मुझे पता है अब तो मुझे भगवान भी नहीं बचा सकता। अब अगर माँ को पता पड़ गया तो, माँ को पता पड़ गया तो फिर? आप इतनी टेंशन मत लीजिए, ज्यादा अच्छा ये नहीं होगा कि हम इस प्रॉब्लम की सलूशन ढूंढें। खुद सर पे ली भी प्रॉब्लम के सलूशन नहीं होते। मुझे पता है जो मैंने गलती की है वो माफी के लायक है ही नहीं। पता नहीं मेरे सर पे भी क्या भूत सवार हुआ था कि मुझे आज ही अपने आप को प्रूव करना था। अगर मैं पहले ही आप लोगों से सलाह ले लेता तो मेरा क्या चला जाता? अरे मुझसे पूछ लिया होता, मैं तो वहीं सोया हुआ था। एक बार मुझे ऐसे जगा, मतलब कि मैं वहीं था। देखिए आप अपने आप को दोषी मत मानिए, अगर आप एक बात माने तो मैं एक आइडिया दूं। आइडिया तो बहुत अच्छा है चैंपियन, पर क्या काम करेगा? मुझे लगता है कि ये आइडिया काम नहीं करेगा, बल्कि इससे तो लोगों को लगेगा कि हमारी दुकान और महंगी है। नहीं दीदी ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा मैं नहीं ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है। एक बार ऐसा करके तो देखिए। ठीक है एक बार तुम्हारी भी बात मान लेते हैं, भी जितनी गड़बड़ हो चुकी है अब उससे ज्यादा और क्या गड़बड़ होगी। वो कहते हैं ना पड़े पे दो लात और सही है। नहीं ऋषि बेटा मेरा मतलब ये है कि डांट तो तुम्हें पड़ेगी ही पड़ेगी, तो उससे पहले बचाने की एक कोशिश क्यों ना कर ली जाए। तो फिर ये तय रहा, हम लोग सुबह सुबह सबसे पहले यही काम करेंगे।
आप लोग सारा सामान तैयार रखना, मैं जल्दी से वहां पहुंच जाऊंगी। थैंक यू नीति। अरे चले, गुड नाइट। गुड नाइट भैया। चलो गॉड, सारा काम फटाफट निपट गया। अब मैं दुकान जल्दी से जा सकती हूँ। मंजली तुम तैयार हो? जी। छोटी जल्दी खाना तैयार कर दो बेटा। मंजली को ना डॉक्टर रूपा के यहाँ लेके जा रही हूँ, रास्ते में दुकान पे देती चली जाऊंगी। गॉड, ये तो गड़बड़ हो गई। अगर मम्मी जी अभी दुकान पर पहुंच गई तो पूरी की पूरी पोल खुल जाएगी। अभी तो पापा और ऋषि भैया ने दुकान से सेल के पोस्टर भी नहीं निकाले होंगे। गॉड, अब क्या करें? मम्मी जी, हाँ? ये दुकान पर टिफिन तो मैं दे दूंगी। ऑफिस जाते वक्त रास्ते में पड़ती ना दुकान, आप इनको सीधे डॉक्टर के पास लेकर के जाइए। ओहो छोटी, तुम क्या क्या करोगी? फिर खाना भी अभी पूरा कहाँ बना है? तुम लेट नहीं हो जाओगी अपने ऑफिस में? खाना तो मैं बना लूंगी मम्मी जी, दुकान से ऑटो करके सीधे ऑफिस जाऊंगी तो जल्दी पहुंच भी जाऊंगी। अच्छा ठीक है, चलो मंजली। जी माँ जी। आज तो बहुत बढ़िया महक, पकौड़े जियो। अरे थोड़ी देर रुक नहीं सकते? चाय के साथ खा लीजिएगा। चलो भाई अब नहीं खाते। अरे इसमें इतना सीरियस होने की क्या बात है? मैंने और पकौड़े नहीं लिए भाई। बात पकौड़ों की नहीं, बात अन्नी की है। अन्नी की? कल मैंने उसे अपनी सहेली से बात करते हुए सुना। हमारी अन्नी के पास एक सपना है, उसे पूरा करने की काबिलियत है, लेकिन वो जानती है हमारी जेब उसके सपने से बहुत छोटी है, इसलिए वो अपने सपने से मुंह मोड़ लेगी, लेकिन हमसे किसी भी तरह की मांग नहीं करेगी जो हम पूरी नहीं कर सकते। इसलिए आज उसने मेडिकल का प्रोस्पेक्टस ही नहीं मंगवाया। लेकिन अन्नी तो बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहती थी ना। हमारी अन्नी तो नियति से भी जल्दी बड़ी हो गई भारती। सच में इस उम्र में इतनी समझदारी कहाँ थी उसमें जितनी कि इसमें है। क्योंकि उसके पास इसकी तरह कोई सीखने समझाने वाली बड़ी बहन भी तो नहीं थी। बच्चे समझदार हैं, इसका मतलब ये नहीं भारती कि माँ बाप अपना फर्ज भूल जाए। चाहे कुछ भी हो जाए भारती, अन्नी का सपना टूटना नहीं चाहिए। वो डॉक्टर बनेगी, जरूर बनेगी। उससे कहना पापा के पास तुझे पढ़ाने के लिए बहुत पैसे हैं, तू बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दे। लेकिन आप भारती, लोग तो अपने नालायक बच्चों के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं, क्या हम अपनी लायक बेटियों के लिए नहीं कर सकते? जाकर कहो उससे प्रोस्पेक्टस आज ही मंगवा ले। मैं अभी अन्नी को बोल के आती हूँ। सुनो, धर्मजी वाले ऑफर के बारे में एक बार ठंडे दिमाग से सोचो ना, मुझे तो बहुत दम लग रहा है उसमें। मैं अन्नी से बोल के आती हूँ। ये हमारी चैंपियन तो अभी तक आई नहीं, इतना टाइम हो गया, अभी तक तो आ जाना चाहिए। बहुजी। हाँ बहुजी, मुझे नहीं पता था कि अब आपको दुकान के कामों में इंटरेस्ट आने लगा है। अबे हट, दुकान में इंटरेस्ट? मुझे तो इंटरेस्ट है तुम्हें तुम्हारी माँ के कहर से बचाने में। अरे बेटा, नियति भी अभी तक नहीं आई, मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है कि तुम्हारे कल वाले कारनामे के बारे में तुम्हारी माँ को पता ना चल जाए। नहीं नहीं भाऊजी, आप घबराइए मत,
मुझे नियति पे पूरा विश्वास है। देखना बाबूजी, वो माँ को भनक तक नहीं लगने देंगी। लो आ गई मेरी चैंपियन। ये आप लोगों का टिफिन। थैंक यू। क्या खाना बनाया बाबूजी? ये वक्त खाना डिस्कस करने का है? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। वो क्या था ना कि खाना आज जल्दी आ गया इसलिए। अरे जल्दी जल्दी के चक्कर में ना मैं बाल बाल बची हूँ आज। मतलब? बहुत लंबी कहानी है पापा, बाद में बताऊंगी। मम्मी के आने से पहले हम सारी तैयारी तो कर ले, फिर मुझे ऑफिस भी जाना है। वो सारा सामान मंगाया था कहाँ है? अरे ये देखो। शाबाश मेरा चैंपियन बेटा। बस अब सब कुछ ठीक हो जाए। ऑफिस अब मैं भागती हूँ। चलो। जब घर का खाना लाई हो तो यहाँ आने की क्या जरूरत थी? हम रोज वाली जगह खा लेते। इसीलिए यहाँ लाई हूँ। लेकिन ये दिखाने के दांत, ताकि कोई ये ना कहे कि देखो कैसी बहू है, अपने पति को खाना भी घर का नहीं खिलाती। तुम हो क्या यार? अच्छा बताओ ये चक्कर क्या है? अच्छी बात ये है, ये तो हद है यार। ऋषि भैया ऐसे? ऋषि भैया तो अपनी तरफ से अच्छा ही करना चाहते थे अंबर। अब मेरी सुनो, मैंने मम्मी जी को कहा कि आप जाइए डॉक्टर के पास, खाना वाना सब मैं बना लूंगी, सबके टिफिन तैयार कर लूंगी। सबके टिफिन बना भी लिए, लेकिन बस तुम्हारा और मेरा टिफिन ही नहीं बना पाया। बहुत देर हो रही थी, दुकान भी तो जाना था ना, तो इसीलिए तुम ये खाली डब्बा ले आई। एक बात बोलूं, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। क्या एक्सीलेंट प्लान बनाया तुमने। ऋषि भैया के प्लान से वैसे बहुत नुकसान हो चुका है अंबर, और अगर मेरा प्लान भी फेल हो गया ना, तब तो मम्मी जी हम सबको। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हारा प्लान एक्सीलेंट है, मुझे पूरा भरोसा है कि ये कामयाब होगा। अब कुछ खाएं? बहुत भूख लगी है। अरे भैया एक प्लेट सेव पूरी दो और उसके बाद एक दही बटाटा पूरी बनाओ। क्या है ये? तेल चाहिए तो सामने चाहिए और क्वालिटी चाहिए तो यहाँ आइए। ये ऋषि पागल तो नहीं हो गया है?